फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति गणराज और आज कुछ स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज है क्रिसमस। पर आज हम जाने वाले हैं क्रिसमस कार्निवल में। यस, आज है क्रिसमस, सो मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। आई होप सो आपका ये क्रिसमस बहुत ही शानदार तरीके से जाए। बट मेरी बात करें तो मैं तो आज कार्निवल में जाने वाली हूँ जो कि बहुत ही नज़दीक पास में होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर कार्निवल में जाना है तो एंट्री पासेस तो मस्ट है। अब पासेस के लिए कितना क्या जुगाड़ करना पड़ता है आप तो भली बात ही वाकिफ होंगे। और एज यूजुअल फ्रेंड्स से पूछो, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स से पूछो, नेबर से पूछो, रिलेटिव से पूछो, जिससे मन पड़ता है उससे कॉन्टेक्ट करो। पर पासेस तो हमें चाहिए, सो आई हैव दिस 3 पासेस। और पासेस की टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन और लकीली मुझे ये पासेस मिल गई है टाइम पे। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल और मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट कार्निवल के प्रीमाइसेस में। चलो बाय। सो हे फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है बाहर का व्यू कार्निवल के एंड आई एम हियर। सो मैं अभी पार्किंग में हूँ और अब चलते हैं अंदर। ये देखो टिकेट्स, जो कि ये कार्निवल का पूरा पैम्पलेट है। आप देख सकते हो इसमें बॉनफायर, स्पीड डाइटिंग, फूड, म्यूजिक कॉन्सर्ट एंड सम शॉपिंग्स। ये एंट्रेंस था जहाँ से एंट्री मिली और ये है प्रीमाइसेस स्टार्टिंग का। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं जैसे कि मैं देख रही हूँ। यहाँ पे आपको केक का स्टॉल मिलता है, केक क्राफ्ट करके, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है। एकदम कार्निवल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे क्रिसमस की। सो वाव ना, हैंडमेड केक्स, चॉकलेट्स, सब कुछ है जो कि हैंडमेड है। सो दिस इज माय टिकट एंड वी आर 3। सो दिस इज द सेक्शन ऑफ डेकोरेशन। आप होम डेको का यहाँ से आइटम परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपके पेट्स के लिए क्यूट सा सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे आप पेट्स से रिलेटेड अपनी पेंटिंग्स, फोटोज और उनके लिए सब बेल्ट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे लेडीज सेक्शन है जहाँ पे आप गर्ल्स के लिए एसेसरीज परचेस कर सकते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, अगर आप एवेंजर्स की, स्पाइडरमैन एंड मार्वल की सीरीज के फैंस हो तो ये सेक्शन आपके लिए है। एंड अगेन दिस इज द पोस्टर्स एंड पेंटिंग्स विद सम क्राफ्ट्स, स्टिकर्स एंड ऑल। कोलैबोरेशन बहुत ही अमेजिंग था। एंड दिस इज द कैंडल जो कि हैंडमेड है। यहाँ पे प्रिटी प्रिटी कैंडल्स मिल जाएंगे आपको। एंड ये सेक्शन था इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर से लेके वॉशिंग मशीन तक सब कुछ विद डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट्स द गुड पॉइंट ऑफ दिस कार्निवल। कार्ड्स पिक करना और अपना फ्यूचर जानने वाला सिस्टम था वो। अब मैं आ गई हूँ थोड़ा सा आगे जहाँ पे स्टेज बना हुआ है। एंड हियर इट इज सेंटा। क्रिसमस है तो सेंटा से मिलना तो बनता है ना। सो मेरी क्रिसमस सेंटा। बट यहाँ मुझे सेंटा वेरी डिसअपॉइंटिंग लगे क्योंकि सेंटा को ना थोड़ा सा नकली सा पेट लगा के देना चाहिए था। बिकॉज सेंटा हमने अक्सर मोटे मोटे से गब्बू गब्बू से देखे। यहाँ बच्चों के लिए बाउंसिंग जंपिंग यार्ड बना हुआ है। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल पोर्शन ऑफ दिस कार्निवल डांस। यस, यहाँ पे ग्रुप डांस चालू है जो कि क्रिसमस ट्री के अराउंड हो रहा है। ये पूरी इनकी टीम है। एक थीम लिया इन्होंने ब्लैक एंड रेड का कॉम्बो करके और ये लोग डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग था। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा और आगे। This is the time to ring the beat and ring some Christmas carols. So ladies and gentlemen, aaiye, aap sabka swagat hai. This band is going to be singing for all of you all. Taaliyan bajana, mampur. I'm going to request all of you all, thoda sa support apne shehar ke artist ko karo. येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। वी आर फ्रॉम नागपुर फ्रेंड्स और नागपुर की स्पेशलिटी है नागपुर का टैलेंट। और यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नागपुर की पब्लिक
of talent when it comes to it. Now, जैसे कि आप देख सकते हो, ये एंकर श्रुति है जो कि यहाँ सारे पब्लिक को इनवाइट कर रही है ग्रुप सिंगिंग के लिए. जहाँ पे एक ये बैंड बना हुआ है जो कि ग्रुप सिंगिंग करने वाला है ओनली ऑन जीसस के सॉन्ग्स, क्योंकि आज क्रिसमस है. थोड़ा हम इमोशनल हो गए थे बिकॉज जीसस का जन्म कैसे हुआ था, किस सिचुएशन में सब कुछ हुआ था, वो सब वो सॉन्ग के थ्रू उन्होंने प्रेजेंट किया. सो इट्स वेरी टची. आ जाओ क्योंकि बाद में आने में आपको टाइम लग जाएगा एंड बिकॉज़ यू गोना कम बैक. Somebody who is cute, rather, somebody who sings his art. Ladies and gentlemen, presenting all of you all with one and only Nihal Khan. Come on, everyone, put your hands up. Woo! Or. बैंड के बाद में परफॉर्मेंस थी निहाल खान की, जो कि नागपुर के बहुत ही फेमस सिंगर है, और इनकी परफॉर्मेंस पे नागपुर की पब्लिक झूम उठी. सो फ्रेंड्स, आप क्राउड देख सकते हो, ये है नागपुर की पब्लिक सपोर्ट करते हुए अपने नागपुर के स्टार्स को. सो यहाँ पे पूरी टीम आपको दिखेंगी विद आरजे फरहान खान एंड अदर टीम मेंबर्स. कैसा लगा निहाल? थैंक यू सो मच. हाय, मैं हूँ आरजे फरहान फ्रॉम 98.3 एफएम. इससे ज्यादा बात करने मेरे शो पे ओनली विजिट करना है ना, कुछ लेना नहीं है. और क्या बोलते हैं नागपुर की पब्लिक के साथ ही आरजे फरहान ने अपना इंट्रो देते हुए खत्म किया अपना सेशन. उसके बाद में बारी आई हम में से किसी एक की सिंग करने की. अभी तुम गाओगे, ठीक है? दो टीम्स है, ये आलू, ये पकोड़ा. ये आलू टीम, ये पकोड़ा टीम. ओके, सो आई एम गोना गिव यू अ वर्ड, और उस शब्द से जो भी मैं ये बोल रहा हूँ, रात मुझे. ओके, लेकिन जेंटलमैन, शी इज अ गुड सिंगर यार. उसने अपना मतलब गाना जिस तरीके से प्रेजेंट किया वो तो डेयरिंग काबिल तारीफ था. उसके बाद में बात आई रैप करने की. सो हियर इट इज, हमें से किसी एक ने रैप करने की ठानी और ही रॉक्स द स्टेज. Yes, आप देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से रैप हुआ. So he is performing the rap, और इसके बाद में यहाँ का फंक्शन थोड़ा सा क्लोज हो गया बिकॉज इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द स्टॉल्स. सो यहाँ पे फूड सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे आपको वेराइटीज ऑफ फूड्स मिल जाएंगे जो कि नागपुर के वन एंड ओनली फेवरेट्स है. सो आपको केक से लेके आइसक्रीम से लेके नूडल्स एंड ऑल वेज नॉन वेज से लेके चाइनीज आइटम तक के सब कुछ इस कार्निवल में अवेलेबल था विद द सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो. नागपुर की बात ही अलग है फ्रेंड्स, मानते हो ना. सो ये कार्निवल ऑर्गेनाइज था बिशप कोटन ग्राउंड में. सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैंडी फ्लॉस का स्टॉल देखते हुए मैं निकल गई यहाँ से बाहर. क्या?
क्या बोलते हैं नागपुर की पब्लिक, ये डायलॉग तो आपने अक्सर रेडियो मिर्ची पे सुना ही होगा। सो मैं आज रेडियो मिर्ची के रेडियो जॉकी आज से फरहान से मिलके आ रही हूँ। यस फ्रेंड्स, और आपने देखा भी होगा मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली है। सो ये बहुत ही अच्छा 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 दिन था मेरा आज का, आई एम सो हैप्पी। बट आप लोगों को कितना मज़ा आया होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली म्यूज़िक म्यूट कर चुकी हूँ, बिकॉज आप समझ सकते हो। फ्रेंड्स, मैं तो घर पे आ गई हूँ, रात के 10 बज रहे हैं, 9:15 बजे तक की प्रोग्राम ऑलमोस्ट पैकअप हो चुका था, बिकॉज नागपुर में कर्फ्यू चालू हो गया है कल से ही। सो रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के नागपुर में तक कर्फ्यू है। आपके शहर में क्या सिचुएशन है आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए, और जस्ट प्रे कीजिए कि ये सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाए और हम फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकें। सो बहुत सारा प्यार से इस वीडियो को और नागपुर को सपोर्ट कीजिए। सो बाय, टिल देन आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मेरी क्रिसमस टू यू ऑल वंस अगेन।